हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है, जस्ट मैं उठी हूँ। उठ के फ्रेश होकर आई हूँ, ब्रश वगैरह करी हूँ, फेस वॉश करी हूँ और फिर बनाने लगी हूँ अब चाय। तो मैंने बॉक्स देखे कैसे रखे हैं। अभी ये नए बॉक्स है, मैंने इनमें मुझे नए बॉक्स हैं ना छोटे छोटे, इनमें कर दिए चीनी पत्ती, क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी आई ना, फिर ये थोड़ा सही लगता है मुझे, है ना। इसमें देखिए ये है, ये दूसरी पत्ती है, वो वाली दूसरी पत्ती है, वो पत्ती है जिसमें कि ऑटोमेटिकली सारा कुछ मिक्स, अदरक उधर अपने क्या क्या मिक्स है, लौंग इलायची, और ये वाली जो पत्ती है इसमें सिर्फ इलायची है। तो प्रियांश के लिए उस दिन नोज़ ब्लीडिंग होने लग गई थी, नाक से खून निकलने लग गया था, इसलिए फिर मैंने ये सिंपल पत्ती यूज़ कर रही हूँ चाय के लिए। सिर्फ इलायची डालती हूँ उसमें, काफ़ी मतलब गर्म चीज़ें हैं, और मैं और प्रियांश वो पी नहीं सकते, ना मैं पी सकती हूँ उसको, क्योंकि मेरे लिए भी गर्म चीज़ें सही नहीं है प्रेगनेंसी में, ना प्रियांश पी सकता है। तो इसलिए फिर हमने सिंपल वाली पत्ती ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीनी, तो चलिए बना लेते हैं चाय। तो अब मेरी चाय बन रही है। चाय को मैं 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल करती हूँ, उबाले दिलाती हूँ, ताकि एकदम कड़ाकेदार मेरी चाय बने। तो आ जाओ गाइस, मॉर्निंग की चाय हो जाए एक साथ। अभी मेरा बेटा सोया हुआ था, इसको मैं उठा रही थी कि उठ जा बाबू उठ जा, दिल नहीं करता जब सो रहा होता है ना, तो मुझे ये रहता है कि चल आराम कर रहा है, तो बेचारे को सुबह सुबह जल्दी उठाना बहुत सच्ची, बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं ना सुबह सुबह उठ के स्कूल भेजना पड़ता है, पर क्या करें, लाइफ में कुछ बनना है तो फिर कुछ खोना भी पड़ता है कुछ पाने के लिए। और ये देखो सोया कैसे हुआ था, लाते सिमरन की तरफ घुसा रखी है, ऐसे टेढ़ा होके सो जाता है ये। एक तरफ मैं बेड से नीचे गिरने को होती हूँ, अब वहाँ से मंजा उठा के लेके आने वाला कोई नहीं है मम्मी के घर से, वहाँ पे मेरा एक फोल्डिंग बेड पड़ा हुआ है, मंजा बोलते हैं इसको हम पंजाबी में, वो पड़ा हुआ है, तो वो अगर होता तो हम वो बिछा लेते अंदर और आराम से सो सकते थे, लेकिन मम्मी और गए हुए हैं बाहर तो दिक्कत हो जाती है मुझे। अब मैं इसे रेडी कर रही थी स्कूल के लिए, क्योंकि आज मंडे है, मंडे को अभी इसकी जो न्यू मैं पैंट लेके आई थी वो भी इसकी छोटी हो रखी है, इसकी यूनिफॉर्म छोटी, नई पैंट लेके आई थी वो थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि इसकी जो पुरानी यूनिफॉर्म देख रहे हो अब छोटी हो गई है, तो मैं नई लेके देनी है। पैंटें तो मैंने ले दी, अब मैं शर्टें लेके दूँगी, सैलरी का वेट कर रही थी, सैलरी आ गई है तो आज मैं इसकी शर्टें भी हो सका तो आज ही ला के दे दूँगी। वैसे तो इसका अब वाइट पैंट का जो एक ही दिन, हफ्ते में एक ही दिन ये यूनिफॉर्म होती है, फिर सारे दिन दूसरी ब्राउन वाली यूनिफॉर्म होती है, फिर लास्ट का जो डे होता है सैटरडे उसमें ब्लू टी शर्ट और वाइट पैंट होती है। तो बस ऐसे होता है इसकी यूनिफॉर्म के डेज़। मेरे बालों में ना स्मूथनिंग कराने वाली हो रखी है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रखे हैं, इतने ज़्यादा रफ हो रहे समझ में नहीं आ रहा क्या लगाऊँ बालों में, तेल भी लगा लेती हूँ सब कुछ करके भी बाल बहुत ज़्यादा रफ है। अब वो सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में स्किन और हमारे हेयर मॉइस्चराइजर की कमी हो जाती है इनमें। कुछ लोग मुझे कहते हैं बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती है, खुद से तैयार नहीं होने देती है, उसको तैयार होना आता है, उसको कपड़े पहनना आता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बेटे को अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजूं, उसके लिए खुद खाना बनाऊं, उसको मतलब उसके लिए सब करना मुझे अच्छा लगता है। अब ठीक है, वो बात भी आपकी सही है कि बच्चे को खुद पर डिपेंड होने दो, ठीक है अभी डिपेंड वो खुद पे है, जब वो नहा के आता है सिंपल जो कपड़े होते हैं वो खुद ही पहनता है, घर आता है तब भी कपड़े खुद ही चेंज करता है, मैं तो सिर्फ उसको स्कूल के टाइम ही तैयार करती हूँ। और आज मैंने सोचा मूली के परांठे बनाते हैं, मूलियाँ लेके आई थी मैं प्रियांश को स्कूल छोड़ते टाइम, प्रियांश को तो मैंने सिंपल रोटी बना के खिला दी थी, बाद में मैं वहाँ से आते हुए फिर मैंने मूलियाँ ली और फिर मैंने परांठे बनाने हैं। अभी मैंने सोचा मैं नहा के आती हूँ, नहाने से पहले जितनी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वॉइस रिकॉर्डिंग कर दूँ। और कुछ लोग जैसे बोलते रहते हैं ना, कल भी मुझे बोल रहे थे आके कमेंट में, है ना,
कि इसके तो पति की इतनी बीवियाँ हैं, इसके पति की इतनी बीवियाँ हैं, कोई बोल रहा है। मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें मैं इनको छेड़ रही थी, मैं क्या मैं कौन सी बीवी हूँ, इन्होंने बोला पाँचवें नंबर की। तो वही चीज़ उठा के ना लोगों ने उस वीडियो की, मतलब हंसी मजाक में हम एक दूसरे को मजाक करे जा रहे थे, तो उसको कहते इसकी पाँच बीवी हैं इसके पति की, कोई कह रहा है हाँ, मतलब जहान भर में मेरे को लगता है मेरा पति शादियाँ ही करता फिर रहा था जो पाँच पाँच बीवियाँ करके आ गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आती लोग इस तरीके की बातें कहाँ से सोच लेते हैं, दिमाग में कहाँ से लेके आ जाते हैं, इतने वेले लोग हैं। मतलब पांच शादियाँ पांच बीवियाँ उसकी हैं, तो पांचों बीवियाँ कहाँ सोई हुई हैं, फिर क्यों नहीं आके रोला मचाती। मतलब इतना पता नहीं कहाँ से सोच लेते हैं ऐसी ऐसी बातें लोग, समझ में नहीं आता मेरे तो। मैं तो बस जवाब दे दे के ही तंग आ गई, तो इसलिए अच्छा है कि जवाब ना ही दो, छोड़ो इस बात को, जिसको जो सोचना सोचे। पांच है दस है, मेरे पता नहीं कितने पति बना दिए, दस ग्यारह तो मेरे ही पति बना दिए, तो उसकी पांच बीवियाँ बना रहे हैं तो कम है पाँच, अभी उसके भी दस ग्यारह बनाओ, कुछ भी यार कुछ भी है ना। तो यहाँ पे देखिए खाना बन गया मेरे बेटे का, अब उसको मैं ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। सुबह सुबह मैं उसको, ऐसा नहीं है कि मैं उसको बस बाहर की चीज़ें खिलाती रहूँ, ढाबे से ला के खाना खिलाती रहूँ, मैं खुद से बना के खिलाती हूँ ठीक है। और ना मैं कोई उसको ये है कि भी एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खिलाती रहूँ, तो मैं उसको हेल्दी खाना देती हूँ, प्रॉपर रोटी चपाती देसी घी लगा के प्रॉपर सारी डाइट देती हूँ उसको कि वो हेल्दी रहे, तभी अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से वो बीमार रहता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है बच्चे को संभालना। चार साल का था वो जब से वो ज़्यादा बीमार हो रहा है, और अब देख लो अब ग्यारह साल का हो गया है, तो ये साल जो मैंने लगाए हैं ना उसके ऊपर, उसकी हेल्थ अच्छी की है ठीक है। उसको बाहर का नहीं मैं कुछ भी खाने देती, वो खाता ही नहीं, वो खुद से ही नहीं खाता बाहर का खाना, पता नहीं उसको अच्छा ही नहीं लगता, उसको बस घर की रोटी सब्जी चाहिए होती है, तो घर की रोटी सब्जी ही बच्चे को चाहे तीनों टाइम बना के दूँ, बना के देती हूँ। कल मैगी दे दी उसको, रात को खिला दी, बाद में कहने लग गया पेट मम्मा ज़्यादा खा ली, पेट दुख रहा है, तो मैंने कहा अब और खा मैगी और खा, मैं जब तुझे मना करती हूँ मैगी ना खा तो फिर तू हटता नहीं। वो सिर्फ एक मैगी खाता है, मैगी के अलावा कोई फास्ट फूड कुछ नहीं खाता, मैगी का शौकीन है बस कि मैगी दे दो, मैं रोटी नहीं है तो बस मैगी दे दो। लेकिन मैं उसको जानबूझ कर रोटी खिलाती हूँ, तरी वाली सब्ज़ी खिलाती हूँ, ताकि वो तरी वाली सब्ज़ी खाता है तो फिर वही उसके लिए खिलाती हूँ, चाहे पनीर बनाऊँ, आलू बनाऊँ, चने बनाऊँ, राजमा बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ है ना। तो आज मैं देखती हूँ आज भी मैं क्या बनाऊँगी लंच में, वो नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। अभी बर्तन साफ़ करने लगी हूँ, रात के बर्तन रखे हुए थे, कल तो मैंने रात को बर्तन नहीं साफ़ किए, परसों कर लिए थे, क्योंकि मैं ना बहुत थक गई जाती हूँ एकदम। लाइव करते करते भी कल मेरा ना पेट दुखने लग गया, मतलब चलते चलते मेरा, मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही हूँ। और मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि कंचन तुम ना एक्सरसाइज वाली वीडियो बनाओ, बहुत आजकल चलेंगी, क्योंकि मैं पहले जुम्बा डांस वीडियो बनाती थी ना, आप लोगों ने देखी होगी जो मेरे को पहले से देखते हैं कि मैं जुम्बा डांस करती होती थी, और वो वीडियो मेरी बहुत पसंद करते थे लोग, जुम्बा डांस वर्कआउट आता है मुझे, तो मैं जुम्बा डांस वर्कआउट करती होती थी, सबको बहुत पसंद आता था। तो मैंने इसलिए कल कम्युनिटी में पूछा कि भाई मैं बनाऊँ एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ इस वजह से, मुझे कोई वेट लॉस करने की नहीं है कि मुझे वेट कम करना है, मुझे पतली होना, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे मेरे को मैं परफेक्ट लगती हूँ, किसी को लगूँ ना लगूँ तो मुझे कोई मतलब नहीं ठीक है, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। बस बात दरअसल इतनी है कि भाई मैं तैयार शैयार होकर रहना पसंद करती हूँ, जो मैं पहनूँ मेरे पे अच्छा लगता है तो मैं तैयार होती हूँ, और वो मेरे को वो चीज़ मेरे से कोई नहीं छीन सकता, वो मुझे कोई नहीं रोक सकता है ना। और एक्सरसाइज का आप सब ने मुझे मना किया था कि कंचन नहीं एक्सरसाइज करनी, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो फिर मैं नहीं कर रही है ना, मैंने इसलिए मैंने पूछा है आप सबसे। अगर मैं फिर वीडियो में करती हुई नज़र आ जाती आप लोग मुझे डांटते कि तू हटी नहीं, तू एक्सरसाइज कर रही है, तुझे ये नहीं समझ में आता, वो नहीं समझ में आता, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी रही थी तब डांट पड़ी आप सबकी, मुझे अपना समझते हो अब तभी डांटते हो, तो मैं समझती हूँ कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो इसलिए मुझे डांटते हो। लेकिन फिर भी है ना, होता है एक थोड़ा सा कि पूछ लूँ चलो मैं, फिर बाद में आप लोग मुझे नेगेटिव कमेंट ना करो। लेकिन उस पर देखा 70% लोगों ने, 70% लोगों ने बोला हुआ है कि कर सकते हो एक्सरसाइज आप तो करो, और 30% लोगों ने बोला हुआ है कि नहीं कर सकते। तो अब मैं बताओ वोटिंग देखूं या कमेंट्स देखूं, कमेंट्स में तो सब ने ये बोला हुआ है नहीं करनी नहीं करनी, रिस्क मत लो, पागल हो क्या, एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसलिए मैं नहीं कर रही एक्सरसाइज ठीक है। मैं तो ये बोल रही थी कि मैं जैसे बॉडी को स्ट्रेच करना होता ना, मेरे पेन रहने लग गया लेग्स में, शोल्डर में, तो ऐसे ना जैसे जकड़न सी हो जाती है बॉडी में, ऐसी हो रही है, तो मैं इसलिए सोच रही थी थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मतलब हेल्दी रहेगा। सोफे कवर्स
वॉशिंग मशीन दे कवर, मैट बेड दे, गद्दियाँ दे कवर, पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं। जब भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करूँ लोग यही करते हैं, बीच में आके सब्जी वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई, कभी भैंस गाँव ऐसे करने लग जाती है। वो मैंने रोटी दे दे के की जा रखे, मैं ना मतलब मेरी रोटियाँ बचती है ना एक दो, तो मैं गाय को डाल देती हूँ, तो फिर रोटी दे दे के की जा रखी है ना। और कुत्ते हैं, कुत्ते को, कुत्ता हमारी थड़ी पे बैठा रहता है, उसको मैं बिस्किट और दूध साथ वालों का एक कुज्जा रखा हुआ है, मैं उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मैं ना मेरे को टाइम ही नहीं मिलता लेके आने का, एक डोंगा लेके आने का, एक डोंगा लेके आऊँगी मैं, फिर मैं जो प्लास्टिक का डोंगा होता है ना वो लेके आऊँगी, फिर उसमें डाल के ना बिस्किट और दूध फिर इनको दिया करूँगी। अभी तो मैं, जो हमारे साथ वाले आंटी हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को थोड़ी सी मैं बीमार हो जाऊँ, उनको पता लग जाए कि कंचन की तबीयत ख़राब है, उसी वक्त फटाफट आ जाते हैं। वो अभी भी मम्मी आई उस दिन, उनको पता नहीं था कि मैं इस तरीके से एकदम बेहोश हो पड़ी हूँ, तो मम्मी ने आके उनको बोला कि आप देख लिया करो, थोड़ा सा लड़की इतनी बुरी हालत में हो रखी है। वो कहते हैं सारा दिन तो गेट ही बंद रखती है, ये तो आके बैठती भी नहीं है हमारे पास, तो फिर उस दिन से अब मैं बाहर निकलती हूँ बैठती हूँ उनके पास। वो कहते हैं ये तो हमारे साथ बैठती भी नहीं है, अकेली अकेली रहना पसंद करती है। मैं कहा मैं अकेली रहना पसंद नहीं करती हूँ, मेरे को ये रहता है बस, मैं अंदर ही वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, उनको पता है मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो वो यही कहते रहते, कहते हम ये सोचते हैं चल वीडियो में लगी रहती है, इसलिए नहीं बाहर का ज़्यादा निकलती। तो अब मैं बाहर निकलती हूँ, शाम को मैं उनसे बातें करती हूँ, तो फिर अच्छा लगता है। वो लोग भी अब कहते हैं कि हाँ अब ठीक है, तू बाहर निकला कर थोड़ा, तभी तेरी तबीयत भी ठीक रहेगी। और अब थोड़ा सा भी मैं जिस दिन ना दिखाई दूँ उसी वक्त मेरे घर पे आके पूछते हैं कि अब आज तबीयत ठीक है तेरी, ठीक है ना, अब हम बाहर नहीं निकली, हमने सोचा कि पता नहीं ठीक नहीं होगी। मैं कह नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने कहा मेरी फ्रेंड आई हुई है, मैं उसके साथ लगी रहती हूँ बातें करने में। तो देखो अब मुझे अपनी वीडियोस का कंटेंट रखना है जिसपे मुझे व्यूज़ आए, मुझे नहीं मतलब कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, कोई इससे कंटेंट उठा रहा है, कोई क्या कर करता रहे कोई, मैं तो चलती फिरती चलती हूँ, बैठती हूँ, उठती हूँ, उसी पे लोग कंटेंट ढूंढ लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी मैं अपना काम छोड़ दूँ। मैं अब अपना काम करूँगी, प्रॉपर अपना व्यूज़ देखूँगी, अपना चैनल ग्रो करूँगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, कोई मुझे अच्छा समझता है बुरा समझता है, जो जिसका दिल करे समझे, आई डोंट केयर। तो ये वाला सूट है, प्रेस की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रेस लेके करने लगी थी पर नहीं, इसको ज़रूरत नहीं है प्रेस की। और ये वाले सूट को ना बहुत लोग ये बोलते हैं कंचन कहाँ से लिया, यहाँ पर पता नहीं इसके क्या लगा हुआ, कोई नहीं, और सब पूछते हैं कंचन ये सूट कहाँ से लिया। ये मैंने लोकल मार्केट से ही सूट लिया था, और इस पर ये लैस मैंने खुद से लगवाई हुई है, और ये प्लाजो पे भी मैंने लैस लगवाई है खुद से, और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे का ना कलर थोड़ा सा अलग से ही हो गया इसका, पता नहीं क्यों ऐसे हो गया, दुपट्टे का कलर ही बदल गया, देखो लाइट हो गया कलर अलग सही, पर है इसका ही दुपट्टा है, देखो वर्क वाला बहुत अच्छा सा दुपट्टा है, ये कट वर्क का इस पर ऐसे है डिज़ाइन, देखो नहीं राइट में, अब देखो दिख रहा है, अब ऐसा सूट जैसा डिज़ाइन बीच में है, और बाकी ऐसे कट वर्क है, ये लेस लगी हुई है यहाँ पे। तो ये वाला सूट अभी मैं पहनने लगी हूँ, तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भाई जिसने जितने मेरे पति बनाने हैं उतने बना लो, जितने मेरे पति की पत्नियाँ बनानी हैं उतनी बना लो, ठीक है। मैं तो आके आप लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकती, आप लोगों की कमेंट करने से हाथ नहीं रोक सकती, जिसने जो सोचना है सोचो, फिर अपनी ऐसी तैसी करो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कि कब तक सफाइयाँ देंगे हम, कब। एक स्टोरी आपको बताती हूँ, कल मैंने ना देखा इंस्टाग्राम पे, एक दो ना वो थे, दो बैल थे, जो तालाब होता है तालाब के किनारे थे, तालाब में क्या था मगरमच्छ, और एक तो सही बोल रहा था कि मगरमच्छ है मगरमच्छ है, दूसरा कहता नहीं लकड़ी है लाकड़ो है, मतलब लकड़ है पेड़ कटा हुआ वो है, वो दूसरा कहता नहीं मगरमच्छ है, क्योंकि वो देखने में लकड़ी लग रही थी, लेकिन दूसरे को पता था कि मगरमच्छ है, एक बैल कहे मगरमच्छ है, दूसरे कहे लकड़ी है, वो जो सही था ना वो पानी में उतर गया, तालाब में उतर गया, तालाब में उतर के कहता मगरमच्छ है ले देख, तो वो कह रहा नहीं लकड़ो है, वो फिर दूसरी बैल कह रही लकड़ो है, फिर ना वो मगरमच्छ के ऊपर चढ़ गया उसको साबित करने के लिए कि मैं सही हूँ, देख मगरमच्छ है, देख मगरमच्छ है, उसने कहा फिर भी कहा लकड़ो है, फिर मगरमच्छ के ऊपर कूदने लग गया कि देख मगरमच्छ है, देख ये मगरमच्छ है, इतने में मगरमच्छ ने खोला मुंह कड़ा खा के उसको हजम कर लिया, जो सही था वो खुद को सही साबित करने में लगा हुआ था, जबकि वो सही था, वो सच में मगरमच्छ था, लेकिन कोई दूसरा बैल उस पर यकीन नहीं कर रहा था, वो दूसरों को यकीन दिला रहा था कि नहीं वो मगरमच्छ है मगरमच्छ है, लेकिन लोग कह रहे नहीं लकड़ी है लकड़ी है,
इसी तरीके से मैं अपने आप को सही सही साबित करने के लिए यकीन दिला रही हूँ, मैं सही हूँ, सही हूँ। लोग कहते नहीं गलत है, गलत है। तो अब मुझे अगर अपने आप को सही साबित करना है तो मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। अब अपनी अपनी जान दे के अपना नुकसान करवा के दूसरों को सही साबित करवाऊं, इससे अच्छा है भाई ठीक है, जो समझ रहे हो समझो। लकड़ी समझ के वो बंदा, वो बैल लकड़ी जो कह रही थी लकड़ी है, वो पानी में कूदने लगी थी तालाब में, ठीक है, लकड़ी समझ के। तो वो सही वाला बंदा उसको रोक रहा था, मतलब सही वाला बैल उस बैल को रोक रहा था कि तू तालाब में मत जा क्योंकि वो मगरमच्छ है। तो अब नुकसान तो उसने अपना करवा लिया क्योंकि वो खुद ही तालाब में कूद के साबित करने लग रहा था कि ले मगरमच्छ है। कहाँ तो गलत बोलने वाला मर रहा था, कहाँ सही बोलने वाला मर गया। तो इससे ये सीख मिलती है कि आप खुद को सही साबित मत करो, मत करो, ठीक है। आप अगर दुनिया आपको कह रही है आप गलत हो तो ठीक है, आप गलत हो भाई, गलत हो। खुद को सही साबित करने जाओगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो इससे अच्छा है गलत हो, ठीक है, बस बात खत्म। हम गलत ही सही, आप लोग सही हो, आप अच्छे हो, आप जैसा तो कोई भी नहीं अच्छा इंसान। आप गंगा जल से धुले हुए हो, मैं तो पापी हूँ, बहुत ज़्यादा पापी हूँ। आप गंगा जल से धुले हुए लोग हो, दूध की तरह पवित्र रहो आप, ठीक है, बस बात खत्म, इतनी सी बात है। चलो वीडियो में एंड करती हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आप एंड करते हैं, जय श्री श्याम, जय माता दी। वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कहानी वो समझ में आ गई हो, बैल लकड़ी और मगरमच्छ वाली, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को समझ में आई। सो बाय बाय।